इरफान साहब, मोजेज नाजरीन, मैं मुश्ताक अहमद वानी मोहब्बत और नेक दुआओं के साथ आज फिर तहरीक बकाए उर्दू के फेसबुक लाइव प्रोग्राम पर एक नए मेहमान के साथ आपके रूबरू हो रहा हूं। और आज हमारे मेहमान हैं बहुत बड़े ड्रामा निगार, हदायतकार, शायर और अफसाना निगार, जिन्हें अदब और आर्ट की दुनिया में लोग मोहतरम इकबाल नियाजी साहब के नाम से जानते हैं। आदाब। मोहतरम इकबाल नियाजी साहब मुंबई से ताल्लुक रखते हैं और एक तवील जमाना आर्ट आदाब के साथ इनका गुजरा है और उसके अलावा दरसो तदरीस से भी इनका काफी ताल्लुक रहा है। ये आज हमारे तहरीक बकाए उर्दू के फेसबुक लाइव प्रोग्राम की खुशनसीबी है कि एक ऐसे ऐसी मरंजाने वरन शख्सियत से आपको हम रूबरू करवा रहे हैं कि जिनका ड्रामा निगारी के मैदान में ऐसे इन्होंने कारहाए नुमाया अंजाम दिए हैं जो काबिले सताइश होने के साथ साथ काबिले फख्र भी हैं। मैं नाजरीन डॉक्टर बशीर बदर के शेर के साथ आज के मेहमान मोहतरम इकबाल नियाजी साहब को आपके रूबरू होने की दावत देता हूँ कि तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हो, तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हो, जमीन पे चांद कहाँ रोज रोज उतरता है। इकबाल नियाजी साहब, मैं मुश्ताक अहमद वानी मेजबान आपका और आप हमारे मेहमान हैं आज तहरीक बकाए उर्दू के इस फेसबुक लाइव प्रोग्राम पर। मैं दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल करता हूँ शुक्रिया और आपको खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया, आदाब, सलाम। तो आपको हमारे नाजरीन देखे देख रहे हैं और उन्हें देखना शुरू किया है आपका जो है क्रोम में पेश करो, क्रोम आपको देख रहे हैं हम लोग। जी मेरे नाजरीन, हमारे नाजरीन, आपके चाहने वालों का एक जो है हल्का जो है पूरी दुनिया में अभी यके बाद दिगरे बहुत सारे दोस्तों अहबाब आपको देखते चले जाएंगे, हमें देखते चले जाएंगे इंशाल्लाह। मैं अपने तहरीक बकाए उर्दू के फॉर्मेट के मुताबिक मोहतरम इकबाल नियाजी साहब आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपकी इब्तदाई तालीम और आपका इल्मी वादबी सफर कहाँ से शुरू हुआ, इसके बारे में आप हमें थोड़ा जो है मुतारिफ करवाएं। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुश्ताक वानी साहब, मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ तहरीक बकाए उर्दू का कि आज मुझे कुछ अपनी बातें रखने का मौका आप लोगों ने दिया। मैं तहरीक बकाए उर्दू के तमाम जिम्मेदारान का, तमाम अहदेदारान का और ये जो काम कर रहे हैं लाइव इंटरव्यू का, इस सिलसिले को सराहते हुए मैं बेहद शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि नाचीज को आपने इस काबिल समझा और अपनी बातें रखने का मौका अता किया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुशाक साहब, इमरान इमरान साहब, आरिफ इमरान साहब और तमाम अहबाब का। मैं मुशाक साहब, आपका जो सवाल था, मैं उससे आप मेरी आवाज आ रही है मुशाक साहब? मुशाक साहब मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो डॉक्टर मुशाक साहब, जी जी मेरी आवाज आ रही है आपको? आप थोड़ी देर के लिए बराबर आपकी आवाज आ रही है मुझे। जी 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 तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि अदब से या थिएटर से या ड्रामे से वाबस्तगी जो है वो स्कूल के जमाने से ही हो गई थी। जब मैं नहुम जमात में था, नाइन्थ स्टैंडर्ड में,
और चूंकि घर का माहौल जो है खानवादा हमारा पूरा अदब से ताल्लुक रखने वाला, फिल्म से ताल्लुक रखने वाला, वालिद साहब हमारे शायर थे, नगमा निगार थे, उन्होंने फिल्मों में गीत भी लिखे हैं और स्टोरी स्क्रीन प्ले डायलॉग्स भी लिखे हैं फिल्मों के लिए। तो घर में एक माहौल सा था अदब का, फिल्म का, सकाफत का। तो वो चूंकि हम छोटे थे, स्कूल जाने वाले तालिब इल्म थे, तो घर में वो सारी जो बातें होती थी वालिद साहब की, जो वो अम्मी से हमारे करते थे, तो वो सुन सुन कर वो सारी बातें रात में जब बैठते थे घर के सारे लोग, और वालिद साहब जो किस्से सुनाते थे अपने आगा अशर काश्मीरी के दौर के, उनके उनके अपने तजुर्बात, चूंकि वो आगा अशर काश्मीरी के थिएटर से जुड़े हुए थे, पारसी थिएटर के बहुत सारे ड्रामों में वो उससे वाबस्ता रहे, तो जब वो अपने किस्से सुनाते थे आगा अशर के, तो मैं बहुत दिलचस्पी से सुनता था वो सारी बातें। और फिर वो आगा अशर कश्मीरी के अशार भी सुनाते थे बहुत ही वालहाना अंदाज में और बड़े ड्रामेटिक अंदाज में, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मैं बड़ा मरूब हुआ, बहुत मुतासिर होता था उनके आगा अशर कश्मीरी के अशार से। तो इस तरह से मतलब शुरुआत जो है वहां पर एक बीज, यूं कह सकते हैं आपके, बीज पड़ गया था अदब तहजीब सकाफत फनून इनसे वाबस्तगी का, सुन सुन के। बस ये कह यूं समझ लीजिए कि मैं अदब में सुन्नी हूं, सुनकर दाखिल हुआ। जी वाह क्या बात, क्या बात। तो वालिद साहब से सारी ये बातें सुन सुनकर मेरा अदब से एक रिश्ता जैसा बन गया, कायम हो गया, और मैं छोटा मोटा अखबारात में मुरासलात या छोटी छोटी कहानियां बच्चों के लिए अदब अतफाल की वो लिखने लगा। तो वालिद साहब को जब पता चला तो वो बहुत खुश हुए, उन्होंने मुझे बड़ी मेरी हौसला अफजाई की और मशवरे भी दिए मेरे नाम के ताल्लुक से। मैं पहले इकबाल इकबाल अहमद आतिश के नाम से लिखता था, फिर इकबाल अहमद साकिब के नाम से लिखने लगा। मतलब आतिश नाम जब दिया तो वालिद साहब ने बताया कि देखो बेटा, आपने ये तखल्लुस तो रख लिया है, लेकिन इसकी इस नाम की जो गर्मी है उससे तुम वाकिफ हो, आतिश कौन थे, आतिश लखनवी, और ये तखल्लुस जो लोग रखते हैं उनके अंदर कितनी आग होनी चाहिए, और इस तरह से उन्होंने बहुत सारी बातें आतिश को लेकर कही। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, अब मैं बदल देता हूँ, तो फिर मैं इकबाल अहमद साकिब हो गया। तो इकबाल अहमद साकिब के नाम से काफी चीजें अखबारात में शाये हुई, फिर वहां भी कुछ इत्मीनान नहीं हुआ। तो फिर वालिद साहब ने कहा कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो कि हमारा जो सिलसिले का जो नाम है नियाजी सिलसिला, तुम उसी को अपने नाम के साथ क्यों नहीं जोड़ते हो। तो मुझे भी मुनासिब लगा, उन्होंने कहा कि आप नियाजी लगा लो अपने नाम के साथ। तो मैं इकबाल अहमद नियाजी लिखने लगा, जो फिर रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे इकबाल नियाजी हो गया। तो बस इकबाल नियाजी के नाम से कहानियां मेरी जी छपने लगी अखबारात में, रसायल में काफी, और अफसानों से शुरुआत की मैंने, मुख्तसर अफसाने लिखे, मिनी मिनी कहानियां लिखी, अफसांचे लिखे, और साथ में शेर व शायरी भी करता रहा स्कूल के जमाने से ही। लेकिन वालिद साहब को कभी दिखाया नहीं वो शेर शायरी जो है, क्योंकि डरता भी था कि अब्बा तो हमारे इतने अहम शायर हैं, मुशायरों के बड़े मतलब धूम मचती थी उनके तरन्नुम की, तो मैंने उनको अपनी शायरी उनको बताई नहीं, अपने गुनाहों की तरह छुपाता रहा उस शायरी को। तो एक दिन गजल जो छपी हुई वाली साहब ने पढ़ ली अखबार में, कहीं इनकलाब में छपी थी, तो वो पढ़ के बहुत खुश भी हुए, उन्होंने फिर उस पर मशवरा भी दिया कि ये शेर ऐसा होता तो ज्यादा बेहतर होता, इस शेर को यूं करते तो, मतलब मैं जिस बात से डर रहा था कि वाली साहब शायद डांटेंगे डपटेंगे कि तुम नसर लिख रहे थे ठीक था, ये शायरी क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने नहीं डांटा बल्कि मेरी हिम्मत बढ़ाई। तो इस तरह से शेरो नगमे की तरफ मैं भी बढ़ गया, शेरो शायरी करने लगा, और शेरो शायरी करते करते कॉलेज में पहुंच गया। तो कॉलेज में पहुंच के तो शेर शेरो शायरी का जोश कुछ और ज्यादा बढ़ गया, वो आप बखूबी समझ सकते हैं। जी 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 कॉलेज जी, जी। कॉलेज में पहुंचने के बाद जो है अच्छा खासा नौजवान जो है वो शायर बन जाता है, जिसको शायरी से दिलचस्पी नहीं भी होती है वो भी शायर हो जाता है। लेकिन फर्क ये था कि दूसरे नौजवान दूसरों के शेर
कहीं कहीं से कोट करके लाके सुनाते थे, लेकिन मैं अपने शेर कोशिश करता था कि मैं अपने लिखे हुए शेर सुनाऊं। तो इस तरह से कॉलेज का वहां माहौल मिला शेर व शायरी की, लेकिन मुश्ताक साहब कुछ इत्मीनान नहीं हो रहा था, कहीं तसल्ली नहीं हो रही थी, एक बेचैनी जो थी वो अंदर पल रही थी कि यार कुछ ये शायरी मतलब शेर, शायर तो बहुत सारे हैं, कितने लोग शायरी कर रहे हैं, कहाँ अब मैं अगर कितनी भी अच्छी शायरी कर लूँ तो मैं गालिब नहीं बन सकता, मीर नहीं बन सकता। तो ये ख्याल एक जहन में बार बार आता था कि यार मैं शेर क्यों कह रहा हूँ, क्या वजह है, मुझे क्या गालिब बनना है, मैं मीर के रुतबे तक पहुँच पाऊंगा, फैज बन सकूंगा। तो बस ये सारी बातों ने मुझे थोड़ा सा शायरी से दूर कर दिया धीरे धीरे। और नसर का ऐसा था कि अफसाने में लिख रहा था, अफसाने मेरे मुसलसल अच्छे रसायल में छप रहे थे काफी, उस वक्त उस जमाने में 20वीं सदी, रूबी, फिल्मी सितारे, काफी मैगजीन जो निकल रहे थे उसमें मेरे अफसाने शाये हो रहे थे, शायर में फिर एक कहानी मेरी शायर में भी शाये हुई। और उस वक्त के ये तमाम बड़े मतलब मारूफ थे ये रसायल और काफी लोग इनमें छपा करते थे। बिल्कुल जी, उस जमाने में खूब रूबी तो बहुत छपता था, शमा बहुत चलता था, फिल्मी मैगजीन था, हालांकि 20वीं सदी तो खैर अदब का मैगजीन था। तो खातून मशरिक एक रसाला निकलता था जो अभी भी निकलता है खवातीन का, उसमें कहानियां शाये हुई। तो बहुत खुश हुआ मैं कि चलिए मेरी कुछ चीजें शाये हो रही हैं, वापस नहीं आ रही है कहीं से किसी रिसाले से। तो थोड़ी हिम्मत बंधी, इसी दौरान थोड़ा सा कॉलेज में कहना चाहिए कि 82 में ड्रामे की तरफ जो है वो 1980 में ड्रामे की तरफ थोड़ा सा रुझान हुआ, क्योंकि कॉलेज के लिए ड्रामा करना था और ड्रामा मिल नहीं रहा था, कोई लाइब्रेरी खंगाल ली हमने, सब कुछ देख लिया लेकिन कोई ड्रामा मिला नहीं। बहुत झुंझलाए हुए थे मैं और हमारे दोस्त सारे कि यार कमाल है, उर्दू में ड्रामा नहीं है, एक ड्रामा करने के लिए हम सोच रहे हैं और कोई ऐसा ड्रामा मौजूद नहीं है जिसको हम स्टेज कर सकें। तो आखिर झुंझला कर हमने खुद सोचा कि यार हम लोग लिखेंगे एक ड्रामा। तो हमने ड्रामा लिखा जलियांवाला बाग 80 इस नाम से। उस वक्त हमको उम्मीद भी नहीं थी कि ये ड्रामा इतना कामयाब होगा आगे चलकर और इतनी तारीफें बटोरेगा कि इसको नेशनल अवार्ड मिल जाएगा आगे चलकर और इसके 4000 से ज्यादा शोज हो जाएंगे और इसको न सिर्फ उर्दू में तो लिखा गया था लेकिन हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल इन जबानों में भी ये उर्दू का ड्रामा तर्जुमा होगा। तो मेरे दोस्त थे इस कॉलेज के जमाने के असलम परवेज, वो भी राइटर हैं, उनके साथ मिलकर ये ड्रामा मैंने तहरीर किया था और मैंने डायरेक्ट किया। ये बड़े कंपटीशन में वहाँ पे जो बॉम्बे के उसमें इनाम भी मिला इसको और बहुत अच्छा लगा कि पहले ही ड्रामे को इतनी मकबूलियत मिल गई। जी तो सब इस तरह से ड्रामे की तरफ रागिब हो गया और फिर ऐसा चस्का लगा ड्रामे का कि फिर दोबारा जो है वो पलटकर हमने पीछे नहीं देखा कि अब कुछ और करना है। हालांकि नज़मे लिखने का सिलसिला आज भी जारी है, अफसाने आज भी लिख रहा हूं मैं, लेकिन असल मैदान जो है हमारा अब वो ड्रामा हो गया। हमने कोशिश की कि ड्रामे में ही अपनी बात कह सके और मुझे ऐसा लगता था जब जब कि जो बात मैं ड्रामे में नहीं कह पा रहा हूं तो उसको नज्म में या नसर में अफसाने में ढाल लेता था। तो मेरे पास इस वक्त जो है, मैं मुझसे बड़ा खुश नसीब कोई नहीं है मुश्ताक साहब कि मेरे पास 3 मीडियम है, 3 हथियार है जिनसे मैं लड़ रहा हूं। कभी ड्रामे से लड़ता हूं ड्रामे के जरिए, कभी अफसाने के जरिए और कभी नसरी नज्मों के जरिए। तो ये मुझसे ज्यादा खुश नसीब और कौन होगा। न्याजी साहब, यकीन जानिए कि आपकी मुतनव्वो शख्सियत, मुतनव्वो आदमी शख्सियत, कि जहां आपके कमाल के ड्रामे हैं जी और बहुत सारे ड्रामों की हदायतकारी भी आपने अपने जिम्मे ले रखी है और शायर और अफसाना निगार होने के साथ साथ में, मैं जब आपका बायोडाटा देख रहा था, आपका सवानी कवायफ जब मैं पढ़ रहा था, तो मुझे बड़ी हैरत हो गई जी
कि आपने 200 प्रोडक्शन के 4000 से जायद शोज किए हैं, जो ये अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, बहुत बड़ा कमाल है। अल्हम्दुलिल्लाह जी जी। तो मैं जानना ये चाहूंगा जी के बुनियादी तौर पर हम अगर देखें दास्तान में कहानी होती है, उसके बाद हमारे पास तरक्की याफ्ता शक्ल में, दास्तान की तरक्की याफ्ता शक्ल में हमारे सामने नाविल आया जी, और नाविल में भी कहानी होती है बुनियादी तौर पर जी, उसी तरह से फिर अफसाने में भी कहानी होती है और ड्रामे में भी कहानी होती है। बेशक बिल्कुल। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि ड्रामे की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ, मतलब ड्रामे का इंतखाब जो आपने किया और इस फन में जो आपने महारत हासिल की है, इसके बारे में बताइए कि आपने ये इस आर्ट की तरफ, इस थिएटर की तरफ आप कैसे आए। जी जी मुशाक साहब, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया जी, हाँ जैसे मैंने आपसे अर्ज किया रहे, हाँ जी जी, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि इब्तदाई बीज जो है वो बोए जा चुके थे मेरे वालिद साहब के जरिए, उनकी बातें सुन सुन के, आगा अशर काश्मीरी की ये तो एक बुनियाद पड़ चुकी थी घर में ही। और जब कॉलेज में पहुंचे, मैंने वो भी वजह बता दी कि कॉलेज में हमने ड्रामा ढूंढा नहीं मिला, झुंझुला गए और खुद ड्रामा लिखा। जब वो ड्रामे को इनामात मिलना शुरू हुए, जलियांवाला बाग 82 को, तो मतलब उस ड्रामे में हमने आज के दौर के हालात बताए थे कि आज हमारा मुल्क जलियांवाला बाग बना हुआ है। एक जलियांवाला बाग का वाकया मैंने सीन को पहले वो किया, ड्रामाटाइज किया कि पुराना जो जलियांवाला बाग में कैसे जनरल डायर गोलियां बरसाता है और लोग मर जाते हैं और एक कुआं जो है लाशों से भर जाता है, ये हमने स्टेज पर बताया। और फिर हमने कट टू फॉरन सीन को बदला, आज का हिंदुस्तान, और आज के हिंदुस्तान में तालीमी सतह पर, इंसानी नुक्ते नज़र से, माशी तौर पर एक अलग अलग जलियांवाला बाग जो है हमारे मुल्क में कायम हो गए हैं जिसमें हम सब कैद हैं, ये उस ड्रामे का थीम था। तो जो उस वक्त के हिसाब से बड़ा नया था, तो काफ़ी लोगों ने पसंद किया कि ये आप लोगों ने जो आज का जलियांवाला बाग बताया है नया, ये तो बोले बहुत गजब का है। तो मुझे इससे हिम्मत मिली और मैंने इसको फुल लेंथ ड्रामा बनाया। वो वन एक्ट था पहले जो असलम परवेज के साथ मिलकर मैंने लिखा था, मैंने इसको फुल लेंथ यानी तकरीबन 1.5-2 घंटे का ड्रामा हमने इसको बनाया। और मैंने दिल्ली में एक उस दौरान स्क्रिप्ट राइटिंग का मुकाबला हो रहा था जिसमें उर्दू हिंदी और पंजाबी के ड्रामे मंगवाए गए थे, तो मैंने ये अपना 1.5 घंटे का ड्रामा और कितने जलियांवाला बाग के नाम से वहां भिजवा दिया। इसका टाइटल मैंने दिया बाद में और कितने जलियांवाला बाग। साहब वो आप यकीन मानिए, वहां पे उर्दू हिंदी और पंजाबी की तकरीबन 650 स्क्रिप्ट आई थी पूरे हिंदुस्तान से, और उन 650 स्क्रिप्ट के मुकाबले में मेरे इस ड्रामे को और कितना जलियांवाला बाग जो उर्दू का ड्रामा था, इसको पहला इनाम दिया गया। क्या बात है, क्या बात जी, मुबारक ये, मुबारक जी, ये 1989 की बात है, 1989 की मैंने लिखा था ये ड्रामा, 82 में और 89 में जब मैंने ड्रामा वहां दिल्ली में भेजा और उसको नेशनल अवार्ड मिला 650 स्क्रिप्ट के मुकाबले में, तो बड़ी हिम्मत मिली साहब बहुत, अरे यार कि हम पहला ड्रामा हमको उसको नेशनल अवार्ड हमें मिल गया। और फिर सोने पे सुहागा ये हुआ कि साहित्य कला परिषद जिसने ये करवाया था मुकाबला, उन्होंने हमारे ग्रुप को मधु किया दिल्ली में कि आप आइए और अपना ये ड्रामा यहाँ पेश करिए। तो श्रीराम सेंटर में जाकर हमने, जो दिल्ली का मतलब मशहूर थिएटर ऑडिटोरियम है जहाँ हर ग्रुप की करने की ख्वाहिश होती है कि भाई हम श्रीराम सेंटर में जाकर ड्रामा करें, तो हमने 1990 में हमने ये ड्रामा अपनी टीम के साथ, किरदार आर्ट एकेडमी हमारे ग्रुप था उनके साथ, हमने ये ड्रामा वहाँ पेश किया और दिल्ली के लोगों ने, ड्रामा शायकीन ने बहुत पसंद किया। वहाँ थिएटर के सारे लोग जमा थे, मौजूद थे दिल्ली के, उन लोगों ने हमारे कोशिश को सराहा बहुत ज़्यादा और उनको लगा कि कुछ इसमें नयापन है इस ड्रामे में। तो बस यहाँ से तहरीक मिली। हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात थी मुशाक साहब कि एक ड्रामे को उर्दू हिंदी पंजाबी के मुकाबले में एक उर्दू के ड्रामे को नेशनल अवार्ड मिलता है, और फिर वही ड्रामा
थिएटर वालों के दरमियान दिल्ली के मशहूर सीरम सेंटर में खेला जाता है। ये दो बातें मेरे लिए ड्रामे से वाबस्तगी का एक, यूं समझ लीजिए, एक बहुत बड़ा सबब बन गई। ये दो बातों ने मुझे थिएटर से बिल्कुल एकदम करीब तर कर दिया और मैंने सोच लिया कि अब मुझको इसी फील्ड में मैं काम करूंगा, क्योंकि मुझे बहुत इत्मीनान हुआ था वो ड्रामा करके। मैंने अपने, मुझे लगा था मेरे दिल की भड़ास जो है उस ड्रामे के जरिए निकल गई। क्या बात, क्या बात, क्या बात। न्याजी साहब, आपकी मतबूआत में मैं भी देख रहा हूँ, दस रंगी ड्रामे, सब ठीक है, एक नई उड़ान और गिरगिट और दूसरे ड्रामे, ये सारी मतबूआत आपकी है, ये तमाम ड्रामे से जुड़ी हुई है, मतलब जी ड्रामे, इनमें ड्रामे हैं और चाहे बच्चों के ड्रामे हैं और बहुत सारी। जी जी, एक जो सवाल जहन में उभर रहा है जी, कि थिएटर एक जमाना था कि जब बाज़ाबिता बहुत सारे ड्रामे खेला करते थे थिएटरों में खास तौर से, तो आपको क्या लगता है कि आजकल के दौर के अंदर जब हमारे घरों में टीवी है और बहुत सारे एपिसोड चलते हैं, टीवी पर बहुत सारे ड्रामे चलते हैं या टीवी सीरियल आ गए हैं बहुत सारे, जी जी, लेकिन ये जो स्टेज ड्रामा है वो किसी हद तक कम हो गया, मतलब इतना नहीं हमें नजर आ रहा ड्रामे की तरफ जो रुझान होना चाहिए था तख्लीकारों को, वो कुछ उसमें कमी आ गई है, कि तो असबाब क्या है इसके, क्या वजह है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। पहले के मुकाबले में अब हमें ड्रामा कम नजर आ रहा है असल में। जी जी, जी जो खेला बहुत अच्छा। नहीं, आपने अच्छा सवाल पूछा है। देखिए साहब, जहां तक अगर हम उर्दू थिएटर की बात करें या उर्दू ड्रामे की बात करें, तो यकीनन उसमें थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन महाराष्ट्र में मराठी का ड्रामा, मराठी का थिएटर, और बंगाल में बंगाली ड्रामा, ये दोनों जबान के ड्रामे आज भी हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि आलमी सतह पर बहुत ही तरक्की याफ्ता ड्रामे समझे जाते हैं। यानी हम इन ड्रामों को, चाहे मराठी का हो या बंगाली का, इन ड्रामों को हम आलमी ड्रामों के मुकाबले में रख सकते हैं, ये इतने तरक्की याफ्ता ड्रामे हैं, क्योंकि इन लोगों ने, बंगाली हो या मराठी, इन्होंने अपने कल्चर से प्यार किया, अपनी सकाफत से प्यार किया, अपने थिएटर से प्यार किया। उनके यहाँ फिल्म को इतनी अहमियत नहीं दी गई जितनी ड्रामे को दी गई। बंगालियों ने भी थिएटर को अहमियत दी और मराठियों ने भी, मतलब आलम यह है मराठी महाराष्ट्र में। तो मैं आपको ये बताऊं जनाब कि नई फिल्म रिलीज हो रही है जुमे के रोज, चाहे वो मराठी हो या हिंदी किसी सुपरस्टार की फिल्म, मराठी के लोग पूरी फैमिली के साथ नई फिल्म देखने नहीं जाते हैं, बल्कि उसके सामने जो थिएटर है ड्रामों का, वहां पूरे खानदान के साथ, बच्चों के साथ वहां जाते हैं, और वो हाउसफुल जाता है ड्रामा, या थिएटर खाली रहता है, फिल्म का थिएटर खाली रहता है, नई फिल्म लगी है बिल्कुल उसके सामने ड्रामे का। शिवाजी मंदिर थिएटर है, वो थिएटर ड्रामे का फुल होता है और ये खाली रहता है। तो ये कल्चर है, ये मराठी ने, मराठी वालों ने अपने ड्रामे को बचपन से वो ड्रामा सिखाते हैं, अपने बच्चों की घुट्टी में उन्होंने ड्रामा डाल दिया है। उसी तरह बंगालियों का भी मामला है, लेकिन उर्दू का मामला इन सब से थोड़ा सा मुख्तलिफ इसलिए है कि उर्दू ड्रामा जो है, मुश्ताक साहब, हमारी तहजीब, हमारे तमद्दुन, हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं बन सका। हमारे यहाँ बहुत सारी पाबंदियां लगा दी गई ड्रामे को लेकर, और बहुत सारी वजूहात है हमारे यहाँ ड्रामा नहीं पनप सका, उसका बहुत सारे सबब है। मैं अगर आपको शुरू से बताऊं तो एक सबब सबसे पहले ये था, पारसी थिएटर तो देखिए उर्दू का ही थिएटर था, वो खूब उरूज पे था, अपने उरूज पे था पारसी थिएटर, तो वो उर्दू ड्रामे खूब बड़े शेर व शायरी में और मंजूम ड्रामे बड़े खूब चलते थे फिल्मों के आने से पहले, जब तक सिनेमा आया नहीं था। लेकिन सिनेमा आने के बाद, पहले गूंगी फिल्में जो बगैर आवाज की होती थी, खामोश फिल्में आई, उसने थोड़ा सा नुकसान पहुंचाया थिएटर को, और जब बोलती हुई फिल्में आई, उन्होंने तो कहना चाहिए कि पूरा सुपड़ा साफ कर दिया ड्रामे का, थिएटर का, क्योंकि लोग सीधे से, एक नई चीज थी ना सिनेमा उस जमाने में, 100 साल पहले सिनेमा ड्रामे के मुकाबले में बड़ी एक अजीब सी चीज थी, तो लोग थिएटर छोड़ के पारसी थिएटर के इसका जवाल होने लगा, यही वजह से
और लोग जो है वो फिल्मों की तरफ भाग दौड़ पड़े फिल्में देखने के लिए। तो सब ये चीज ने बड़ा नुकसान पहुंचाया थिएटर को, वहां से ड्रामा थिएटर जो है वो जवाल पजीर हुआ। हालांकि बाद में पृथ्वीराज कपूर आए, पृथ्वीराज कपूर ने पृथ्वी थिएटर कायम किया और पृथ्वी थिएटर के जरिए उन्होंने सारे उर्दू ड्रामे किए। उन्होंने जितने भी ड्रामे किए हैं वो सब उर्दू के ड्रामे हैं, क्योंकि उनके राइटर्स जो हैं वो लिखने वाले सब उर्दू के ही थे। उन्होंने गद्दार, पठान, दीवार, इस तरह के ड्रामे किए जो बहुत चले, बहुत मकबूल हुए, सब उर्दू के ड्रामे थे। तो उन्होंने कोशिश बहुत की लेकिन फिल्मों का असर बहुत ज्यादा था, इसलिए पृथ्वीराज जी को भी अपने थिएटर को समेट लेना पड़ा और वो भी खत्म हो गया। ये तो वजह हुई, एक कहना चाहिए थोड़ी सी एक नफसियाती वजह, हमारे जो देखने वाले जो नाजरीन थे उनके जहनों पर जो फिल्मों ने असर किया उसकी वजह एक थी। एक वजह मजहबी है मुशाक साहब हमारी। बिल्कुल सही, हमारे यहाँ ड्रामे को जो है ना मजहबी मजहब से जोड़ दिया गया और ये कहा गया कि नक्काली हराम है हमारे मजहब में, तो ड्रामा वगैरह ये सब वाहियात चीजें हैं, ये नचनियों का काम है। हमारे बुजुर्ग अक्सर कहते थे कि ये नचनियों का काम है, ये क्या तुम काम कराम कर रहे हो, नचोड़े लोगों का काम। तो मतलब घरों में ये चीजें पसंद नहीं की जाती थी। यही वजह है कि बहुत सारे ड्रामों में शुरू में जो मेल फीमेल पार्ट था, मतलब लड़कियों को तो बिल्कुल भी इजाजत नहीं थी जाने की, तो लड़कियों के रोल लड़के करते थे, आदमी करते थे, बाकायदा साड़ी पहन के, लिबास पहन के, क्योंकि लड़कियां बिल्कुल ड्रामे में जाने की उनको इजाजत नहीं थी। तो बाद में भी ये सूरत हाल बदली नहीं, उसको मजहबी लोगों ने, हमारे मौलवी हजरात ने, हमारे उलमा ने इसको बिल्कुल हराम करार दिया नक्काली को। हालांकि एक अजीब बात, बड़ी मजेका खेज बात यह है कि फिल्में देखने के लिए हम लोग जाते हैं उसको हमने हराम नहीं करार दिया, फिल्मों फिल्म बीनी जो है वो बराबर हो रही है और और फिल्म का काम बराबर चल रहा है, उस पर कोई मनाही नहीं करता है, कोई रुकावट नहीं है। जहां ड्रामे की बात आती है, ये आज तक साहब ये तजाद मेरे आज तक समझ में नहीं आया मुश्ताक साहब, कि हमारे यहाँ फिल्मों को तो बड़ा धूम से देखा जाता है जो ड्रामे की ही शक्ल है बदली हुई, लेकिन और जबकि झूठी शक्ल है, लेकिन थिएटर को या स्टेज को जोड़ दिया गया मजहब से कि नक्काली हराम है, ड्रामा नहीं करना चाहिए, इसकी वजह से ड्रामे को बहुत नुकसान पहुंचा। तो साहब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं आपकी इस चीज दिलचस्प गुफ्तगु के हवाले से, आपकी आपके अदब और आर्ट के कई गोशों पर को फिर सामने लाने की कोशिश करूं, मैं हाजिरीन के सामने लाने की कोशिश करूं, मैं आपको ये बताता चलूं कि आपके चाहने वालों और आपके मद्दाहों की एक बहुत बड़ी फहरिस्त है मेरे सामने जो स्क्रीन पे नाम उभरते चले जा रहे हैं। जी जी, नुसरत अली खान साहब और नसीमा सहंग और बहुत सारे खान साहब, जी 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 जी, और इस तरह के बहुत सारे, आफ्ताब अशरफ साहब हमारे दरभंगा बिहार साहब, जी जी, इसी तरह से अदनान सरकोत भी हैं, ये मेरे शागिर्द हैं अदनान सरकोत, और बॉम्बे में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ड्रामे को लेके, उर्दू ड्रामे को। यकीन जानिए कि बहुत से लोग हैं आपको देख रहे हैं। जी जी, शुक्रिया। तो मैं नियाजी साहब आपसे पूछना चाहूंगा, जी जी फरमाइए, के तहरीक बकाए उर्दू ने एक आपको मौजू दिया है, उर्दू अदब में थिएटर और ड्रामा निगारी की अहमियत। जी जी जी, इसके हवाले से हम चाहेंगे, मैं जाती तौर पर चाहूंगा, नाजरीन हमारे मुंतजिर हैं कि आप हमें थिएटर की अहमियत असर हाजर में और ड्रामा निगारी का आर्ट जो है या इसकी जो अहमियत है जी उसको बयान करें, तो बड़ा अच्छा अच्छा एक मालूमाती एक चैप्टर है हमारे लिए। जी 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 जी, मुश्ताक साहब कोशिश करूंगा मैं कि आपने मुझ पर जो एतमाद किया है उसके लिए शुक्रिया, मैं कोशिश करूंगा कि अपनी बात रख सकूं। मैं अभी वैसे बहुत ही तिफले मकतब हूं, मैंने कोई बहुत ज्यादा काम नहीं किया है, बस एक सिर्फ 40 साल इस फील्ड में निकाले हैं, चार दहाइयां गुजारी है, तो
इस फील्ड में, तो थोड़ा सा मुझे और लोगों के मुकाबले में तजुर्बा है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अभी मैं वो काम नहीं कर सका हूँ जितना मुझे करना चाहिए थिएटर के लिए, उर्दू ड्रामे के फरोग के लिए। मैं तो जी जान से लगा हुआ हूँ साहब, क्योंकि मैं आपको बताऊं मुझे और कुछ करना नहीं आता है सिवाय ड्रामा करने के, थिएटर करने के, जी जी। और वो भी उर्दू जबान में। मुझे बहुत से ऑफर आए मराठी में करने के लिए, अंग्रेजी में करने के लिए, लेकिन मैंने अपनी जबान को नहीं छोड़ा। मुझे कहा कि नहीं, मुझे लगा जैसे ठीक है इसमें पैसे वैसे नहीं मिलेंगे, कम मिलेंगे, मुझे गवारा है, लेकिन मैं दीगर जबान में जाकर ड्रामा नहीं करूंगा, मैं उर्दू में करूंगा, जैसे भी हो, लंगड़ा लूला जिस तरह का। तो आपका सवाल जो है बड़ा अहम है। जी जी सलीम मोहिद्दीन साहब, बस एक 40 साल ही गुजारे हैं। सलीम मोहिद्दीन साहब हमारे दोस्त हैं, वो कह रहे बस एक 40 साल मैंने, हाँ जी हाँ, सिर्फ एक 40 साल ही गुजारे हैं मैंने इस ड्रामा फील्ड में, इस दश्त की सयाही में। तो मैं ये अर्ज कर रहा था मुशाक साहब, आपका जो सवाल है कि अदब में हमारे यहाँ उर्दू में ड्रामे को हमेशा से नजरअंदाज किया गया है, हमेशा से सौतेला सुलूक किया गया है ड्रामे के साथ। हमारे यहाँ शायरी पर बहुत बात होती है, शायरी पर बहुत तनकीद लिखी गई है, इतनी तनकीद है कि अगर कहा जाता है आइंदा 100 साल तक भी कुछ ना लिखा जाए हमारी शायरी पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतनी तनकीद हमारे यहाँ उर्दू शायरी पर मौजूद है। 100 साल तक लिखने की अभी जरूरत नहीं है, ये ज़ोए अंसारी साहब का कहा हुआ मैं आपको कॉल बता रहा हूं कि शायरी पर बहुत ध्यान दिया गया, नक्काद भी बड़े हमारे बड़े आला पाए गए नक्काद शायरी पर आए, उन्होंने तनकीद पेश की, उसी तरह अफसाने पर, नॉवेल पर, जो आपने शुरू में कहा कि हमारे अब बहुत उनको बहुत सारा आंखों पर बिठाया गया, अफसाने को भी नॉवेल को भी, लेकिन ड्रामे के साथ बहुत सौतेला सुलूक किया गया, और हर वक्त इसको जो है ये कहना चाहिए कि पिछली सफ में हमारे नक्कादों ने जो है ड्रामे को पिछली सफों में खड़ा कर दिया। पहली सफ में तो शायरी थी और इमामत जो है हमारे नक्काद कर रहे थे, तो पहली सफ में शायरी को खड़े करके, बाद में अफसाने को खड़े करके, दूसरी तमाम असनाफ आ गई पीछे, लेकिन ड्रामे को सबसे आखिरी सफ में जगह मिली। तो इसका नतीजा ये निकला कि ड्रामा जो हमारे कल्चर का, तहजीब का हिस्सा बनना चाहिए था, वो नहीं बन सका। जबकि ये इतना मौसर मीडियम है मुशाक साहब, आप भी जानते हैं कि जी जी बहुत ही पावरफुल मीडियम है, बहुत, जो काम एक 10 तकरीरें मिलके काम नहीं कर सकती। स्टेज पर अगर खड़े रह के आपने किसी मौजू पे, आप 10 मुकर्रीन को खड़ा कर दीजिए और उनसे कहिए, मिसाल के तौर पे नशे के खिलाफ अगर बात करनी हो आपको, आप 10 मुकर्रीन से तकरीर करवा दीजिए स्टेज पर खड़े रह के, नशे के खिलाफ आप बोलिए, वो एक एक घंटा बोल दें, 16 बयान मुकर्रर हो, एक एक घंटे की तकरीर 10 लोग कर दें, वो असर नहीं होगा जितना नशे के खिलाफ अगर एक नुक्कड़ नाटक वहां कर दिया जाए उसका असर होगा। तो ये इतना अहम मीडियम है, इतना अहम है। ये हमने, ये मैं अपने पे बीती हुई बता रहा हूँ आपको बात, हमने ड्रामे के जो नुक्कड़ नाटकों के शो किए, आप यकीन मानिए लोग आके रोते थे जब ड्रामे पे। अदनान सर खुद यहाँ पे जो मेरा शागिर्द है, उसने भी बहुत सारे नुक्कड़ नाटक किए, उसको भी इस बात का तजुर्बा है कि हम नशे के खिलाफ जब ड्रामे करते थे गली मोहल्लों में और चौराहों पर जा जाके, तो लोग आकर हमसे लिपट कर रोते थे, उनकी माएं, वालदैन, बच्चे के, और आके अपने तजुर्बे हमसे बयान करते थे, लेकिन वो जाकर उन मुकर्ररीन से नहीं लिपटते थे जो नशे के खिलाफ तकरीरें कर रहे थे, वो हम ड्रामे वालों से, नुक्कड़ नाटक वालों के पास आते थे। तो इसका मतलब ये होता था कि असर हमारी बात का हुआ है, ड्रामे का असर हुआ है। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ हुजूर कि इतना पावरफुल मीडियम, इतना ताकतवर मीडियम, इतनी मौसर, इतना जरिया बात, अपनी बात पहुंचाने का लोगों तक, उसको हम लोगों ने क्यों इतना नजरअंदाज किया, हमारे नक्कादों ने इस चीज को क्यों नजरअंदाज कर दिया। रेडियो ड्रामे एक जमाने में, पार्टीशन के बाद जो है, तकसीम के बाद, रेडियो ड्रामे तो खूब चले, लोग मजा लेते थे रेडियो ड्रामे सुनने का, लेकिन उससे कुछ फायदा स्टेज को नहीं हुआ था रेडियो ड्रामे से। हालांकि रेडियो ड्रामे में भी बड़ी बड़ी शख्सियतें उभर कर आई, उन्होंने ड्रामे लिखे रेडियो के लिए, जिसमें सादत हसन मंटो खास तौर से उनका नाम बड़ा अहम है,
रेडियो ड्रामे के लिए उन्होंने बहुत सारे ड्रामे लिखे, केशव चंद्र ने लिखे, राजेंद्र सिंह बेदी ने लिखे, तो उपेंद्रनाथ अश्क ने लिखे, बड़े बड़े राइटर्स थे जिन्होंने रेडियो के लिए ड्रामे लिखे, लेकिन इन्होंने कभी थिएटर के लिए लिखने का नहीं सोचा ना, क्योंकि स्टेज उस वक्त था भी नहीं। उनसे हम शिकायत इसलिए नहीं कर सकते, मेरी शिकायत उनसे इसलिए कभी नहीं हो सकती है कि उनके जमाने में थिएटर जवाल पजीर हो चुका था, पारसी थिएटर जवाल पा चुका था, फिल्में आ चुकी थी, सिनेमा आ चुका था। तो साहब अदब में मेरी बस शिकायत हमेशा से 40 साल से मैं यही बोलता आ रहा हूं कि हमारे नाकदीन ने ड्रामे के साथ जो सौतेला सलूक किया, इसकी वजह से आज ड्रामा आज भी घुटनों के बल चल रहा है। अगर जरा सी इनकी इनकी निगरानी, इनका इनका रुख ड्रामे की तरफ होता और हमारे नक्काद ड्रामे की तरफ से पीट करके नहीं बैठते, इससे रूबरू होते, इससे आंखें मिलाते, तो शायद आज ड्रामा जो घुटने के बल चल रहा है वो अपने पैरों पर खड़ा हो सकता था। मैं कोशिश में लगा हूं 40 बरसों से कि इसको घुटने से उठाकर अपने पैरों पर खड़ा कर सकूं। मेरे साथी कई इस कोशिश में लगे हैं पूरे हिंदुस्तान में, बंबई में जैसे मुजीब खान है, आफ्ताब हसनैन है, अनीस जावेद हैं, अदनान सरखोत हैं, ये सब उर्दू ड्रामे के जियाले लोग हैं, जुनूनी लोग हैं जो काम कर रहे हैं कि नहीं कुछ भी हो। क्या बात है। हालात जी बिल्कुल, हालात हौसला शिकन है बहुत ज्यादा, बहुत मदद नहीं मिल रही है, लोग ड्रामे को आज भी जो है वो तिरछी नजर से देख रहे हैं, टेढ़ी नजर से देख रहे हैं, अपनी बच्चियों को एक्टिंग के लिए नहीं भेजते हैं हमारे पास। लेकिन इसके बावजूद ये जियाले जो मैंने नाम लिए बंबई की सतह पर और हिंदुस्तान गिर पैमाने पर अगर देखें तो कलकत्ता में जहीर अनवर, अजहर आलम, दिल्ली में डॉक्टर सईद आलम, अनीस आजमी साहब, ये सारे लोग उर्दू थिएटर का काम कर रहे हैं। शोलापुर में महाराष्ट्र में हमारे राजा बागबान हैं, मालेगांव में सिराज दुलार हैं, ये सारे लोग उर्दू ड्रामे को किसी तरह उसका खोया हुआ वकार दिलाने की कोशिशों में जद्दोजहद में लगे हुए हैं। तो इसलिए मैं तन्हा नहीं हूँ, बहुत बड़ी बात, मैं और मैं अकेला नहीं हूँ, मुझे इसका मैं इस भीड़ में मैं भी एक छोटा सा सिपाही हूँ उर्दू का, एक खादिम हूँ, और मैं भी इस कोशिश में लगा हूँ कि हाँ हमारी जबान का ड्रामा भी मराठी बंगाली या गुजराती के मुकाबले में प्रोफेशनल सतह पर, कमर्शियल सतह पर जो है आकर खड़ा हो जाए, ताकि लोगों को लगे कि भाई ये भी उर्दू थिएटर भी नाम की भी कोई चीज है उर्दू अदब में। और जब तक के हमारे अदब के लोग, उर्दू लिटरेचर के लोग इसको अहमियत नहीं देंगे, तब तक ड्रामा जो है वो लिखा नहीं जाएगा। थिएटर तो चलता रहेगा, थिएटर हम किसी भी जबान का ड्रामा लेके हम चलाते रहेंगे, लेकिन लिखा जाने वाला जो मामला है वो ना सरकारी सतह पर उसकी कोई पजीराई हो रही है, गवर्नमेंट उसको ना कोई साथ दे रही है, ना हमारे जबान वाले कोई साथ दे रहे हैं, ना हमारे नक्काद साथ दे रहे हैं, ना हमारी हमारे कल्चर का हिस्सा वो बन पाया है। कल्चर का हिस्सा इसलिए नहीं बन पा रहा है कि हमारे वालदैन, सरपरस्त, हमारे घर के लोग जो है आज भी उर्दू ड्रामे के नाम पर नागमुंह चढ़ा रहे हैं, वो इसको उतनी अहमियत नहीं दे रहे हैं जितना देना चाहिए। जबकि पाकिस्तान के ड्रामे टीवी पर बैठ के देखते हैं, पाकिस्तानी ड्रामे देखते हैं, टीवी सीरियल सास बहू के बैठ के देखते हैं, घर के पूरे अफराद जो है बैठ के देखते हैं घर में, लेकिन जहां स्टेज पर जाकर बात करते हैं जब के करना है ड्रामा काम में काम करना है तो बिल्कुल इजाजत नहीं दी जाती है। तो ये सूरत हाल है साहब, आप बताइए ऐसे में कैसे ड्रामा पनपेगा और कैसे जो ड्रामा लिखने वाले नौजवान जो आ रहे हैं, हमारे बाद की जो जनरेशन आ रही है उनको कैसे हिम्मत मिलेगी, कैसे हौसला मिलेगा, वो कैसे लिखेंगे ड्रामे नए। न्याजी साहब आपने एक सिलसिला ये भी शुरू किया है कि आपने वो जैसे कृष्ण चंद्र है, सादत हसन मंटो या प्रेमचंद या उसके बाद के कुछ अहम तरीन जो हमारे अफसाना निगार हैं, इनका एक सीरीज आपने शुरू किया, ड्रामा सीरीज, तो ये ख्याल कैसे आया और इसकी अहमियत आपके नजदीक क्या है, ऐसा आप उन तमाम कहानियों को, उन तमाम अफसानों को आप ड्रामाटाइज कर रहे हैं, तो ये एक सिलसिला आपने शुरू किया, बहुत अच्छा, मैं समझता हूँ इसका इसका जो है वेलकम किया जाना चाहिए इस बिल्कुल सिलसिले का, और ये बरकरार रहे आगे मजीद, जिसके बारे में मैं भी हाँ कितने आज तक कर चुके हैं आप, मैंने मंटो वगैरह हाँ ये मैं आपको बताऊं मुशाक साहब,
ये बात जो है बड़ी कहना चाहिए कि मेरे नौजवान साथी जो लोग देख रहे होंगे या बाद में भी जो लोग इसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे, मैं उनसे ये अर्ज करना चाहता हूँ कि जब हमारे पास एक जमाना था, हम ये शिकायत करते थे कि अरे उर्दू में ड्रामा नहीं है, उर्दू में ड्रामा क्या स्टेज करेंगे हम, उर्दू की स्क्रिप्ट ही नहीं है हमारे पास। जैसे कि मैंने बताया था कि भाई उर्दू स्क्रिप्ट नहीं मिलती है उर्दू करने के लिए, ड्रामे के लिए। तो हमने ये सोचा, मेरे ग्रुप के लोगों ने, कि भाई अगर ऐसा है तो क्यों ना हम ऐसा करें कि कुछ कहानियों को हम ले उर्दू की जो शाहकार कहानियां हैं, और उनको ड्रामा बनाकर स्टेज पर पेश करें। क्या जरूरी है कि हम दिगर जबानों के, हम क्यों हिंदी का या मराठी का ये गुजराती के ड्रामों को ट्रांसलेट हम क्यों करें? तो ये ख्याल आते ही हमारे मेरे जहन में भी ये आया कि हाँ ये बहुत अच्छी बात है। तो मैंने सबसे पहले कृष्णचंद्र की एक कहानी को ड्रामाटाइज किया, फिर हमने सलाम बिन नज़्ज़ाक, उर्दू के कदावर अफसाना निगार हैं माशाल्लाह, मेरे दोस्त जी जी हयात है वो, और यहीं मुंबई में रहते हैं। तो उनकी कहानी को हमने ड्रामा बनाया, फिर मंटो की कहानियों को लेकर ड्रामा किया, फिर हमने मैंने यहाँ तक के मुश्तबा हुसैन का एक मजमून था, तंजिया मजाहिया मजमून, उसको मैंने जो है ड्रामा बनाया, वो भी बहुत पसंद किया गया। फिर सुरेंद्र प्रकाश बहुत उर्दू के सीनियर राइटर थे, उनकी कहानी को लेकर बिजू का नाम से मैंने, बिजू का जिंदा नाम से ड्रामा किया। साजिद रशीद थे, मतलब इस तरह से सिलसिला ये शुरू किया हमने कि क्यों ना आप कहानियों को हम उर्दू की, बजाय इसके कि हम ये रोना रोए हर बार कि स्क्रिप्ट नहीं है, स्क्रिप्ट नहीं है उर्दू में, हम खुद ही कहानियों को लेकर ड्रामा करें, ड्रामा बनाएंगे और करेंगे। और वो बहुत, ये तजुर्बा मेरा बड़ा कामयाब रहा कि मुझे फिर कहीं दौड़ना नहीं पड़ा किसी और जबान के ड्रामे की तरफ। मुझे लगा कि मेरी उर्दू में इतनी कहानियां मौजूद है, और चूंकि मेरा अदब का मुताला रहा है, मैं आपको मुश्ताक साहब एक बात बताऊं, बहुत अहम बात बताना चाह रहा हूं, अर्ज करना चाहता हूं कि मेरी अदब से वाबस्तगी, थोड़ा मुताला अफसानों का, शायरी का, ये मेरे थिएटर करने में, मुझे ड्रामा करने में, स्टेज करने में बहुत काम आया। मतलब चूंकि मैं कॉलेज के जमाने में काफी, हमने राजेंद्र सिंह बेदी को पढ़ लिया था पूरा, सादत हसन मंटो पढ़ लिया था हमने पूरा, और कृष्णचंद्र को पूरा पढ़ लिया था, इस्मत चुगताई हम पूरा पढ़ चुके थे, कुरतुलैन हैदर को पढ़ने की कोशिश की लेकिन नहीं पढ़ सके थे। तो कॉलेज के जमाने में इतने सारे राइटर्स को जो हमने पढ़ लिया था, उनकी पूरी पूरी कहानियां सारी, तो वो सब हमारे लाशौर में थी। इसलिए जब ड्रामा करने के लिए हम स्टेज पर उतरे, थिएटर में आए, तो हमने ये सोचा कि इन कहानियों से हम इस्तेफादा करेंगे और इन कहानियों को ड्रामा बनाकर हम इंशाल्लाह स्टेज में स्क्रिप्ट की कमी को, हालांकि ये तबाजाद नहीं था, मैं मानता हूँ इस बात को कि इसको हम तबाजाद उर्दू ड्रामा नहीं कह सकते, कि हमने उर्दू का एडेप्टेशन किया, उर्दू कहानियों का एडेप्टेशन किया था, लेकिन फिर भी कम से कम हमारी जरूरत पूरी हो रही थी, तो ये एक कोशिश मैंने की थी। और आप मेरा ख्याल है जो पूछना चाह रहे हैं, नहीं चार्ज नहीं हो रहा है, यहाँ पर चार्ज खत्म हो रहा है, तो मुशर्रफ साहब आप जो सवाल पूछना चाह रहे हैं, आप जो सवाल पूछना चाह रहे थे, मेरा ख्याल है मंटो पर हम जो एक सीरीज बनाने जा रहे हैं, वेब सीरीज टेलीविजन के लिए, ओटीटी आजकल चैनल जो है वो शुरू हो गया है ओटीटी का, तो हम उसके लिए बनाने जा रहे हैं, तो शायद आपका इशारा उस तरफ था। जी जी साहब, मैं दरअसल मैं ये चाह रहा था कि आप थोड़ा सा इस बारे में भी अपनी एक राय कायम कर सकते हैं जी, कि नौजवान जो हमारा है,
इनके अंदर अगर ड्रामा लिखने की सलाहियत किसी में है जी, तो कम से कम मशवरा क्या है उनको, किस तरह अपने टैलेंट को, अपने उस जौहर को निखारने के लिए क्या कुछ इकदाम करने चाहिए, क्या कुछ जी मुताला, मुशाहिदा, तजुर्बा, ये सारी चीजें किसी किसी आर्टिस्ट को जो है उसकी बुनियाद बनते हैं उसको जी आवाम के सामने लाने के लिए। जी आपने मेरा ख्याल है आपके सवाल में ही आप मेरा जवाब छुपा हुआ है, आपने बात कह भी दी जी, आपने बात बहुत बड़े नफासत के साथ और बड़े सलीके से आपने जवाब भी दे दिया है कि मुताला तो बहुत जरूरी है किसी भी सिंफ के लिए। कोई भी सिंफ में आप अगर तबाजमाई कर रहे हैं, चाहे वो शायरी हो, अफसाना हो, या ड्रामा हो, या खतूत निगारी हो, या दास्तान गोई हो, उसमें मुताला तो आपका होना चाहिए। जब तक कि मुताला ये नौजवान नहीं करेंगे, इनको पता नहीं चलेगा कि हमारा क्लासिक अदब क्या है और हमारे क्लासिक अदब में क्या चीज़ें हैं मौजूद, कैसा खजाना दास्तानों का हमारे पास मौजूद है, और उन दास्तानों से हम कैसे फैजियाब हो सकते हैं ड्रामे के लिए, हम उनको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ड्रामे में। जैसा आज आप देख रहे होंगे कि शम्सुर रहमान फारूकी साहब ने ड्रामा दास्तान गोई को जो है एक उन्होंने सिलसिला शुरू किया महमूद फारूकी साहब को लेकर, जो उनके गालिबन भतीजे हैं, और दानिश हुसैन के साथ दास्तान गोई का अहिया किया उन्होंने, एक नई रिवायत को शुरू किया, जदीद दास्तान गोई। तो ये शम्सुर रहमान फारूकी साहब का आइडिया था जिसको महमूद फारूकी साहब और दानिश हुसैन ने अमली जामा पहनाया, और आज हम देखते हैं कि बहुत खूबसूरत दास्तानें स्टेज पर आ रही है नए सिरे से, नए अंदाज में। तो इस तरह से अगर सोचिए, ये मुताले में हमारे नहीं होती, हमारे नौजवान अगर दास्तान गोई की तरफ नहीं पलट के जाते, वो नहीं देखते कि हमारे पास कैसी कैसी खूबसूरत दास्तानें हैं जो घंटों बयान की जा सकती है स्टेज पर, तो वो अगर वो हमारे इल्म में नहीं होता, वो मुताले में नहीं होता, तो आज दास्तान गोई का जो अहिया हुआ है नए सिरे से, आज जो दास्तान का एक फॉर्म के तौर पर दास्तान गोई इस्तेमाल हो रही है, एक ड्रामे का एक नया फॉर्म बन गया है दास्तान गोई, वो नहीं होता। आज जगह जगह जो है दास्तान गोई के शो हो रहे हैं स्टेज पर, दिल्ली में, मुंबई में और कोलकाता में, काफी जगहों पर दास्तान गोई के शो किए जा रहे हैं, यहाँ तक के अब्रॉड में भी, बाहर भी, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में भी इसके दास्तान गोई के शो हो रहे हैं। तो जब तक के हमारे मुताले में कोई चीज नहीं रहेगी, उसी तरह अफसानों का मामला है। यहाँ मैं आपको मुशाह साहब नसीरुद्दीन शाह साहब का एक हवाला देना चाहूंगा, अगर आप इजाजत दे तो। नसीरुद्दीन शाह साहब ने इधर पिछले दिनों मंटो और इस्मत आपा की कहानियों को लेकर ड्रामे स्टेज किए, बहुत सारी कहानियां थी मंटो की, कई सीरीज उन्होंने मंटो और इस्मत आपा की है। तो एक बार मुलाकात में मैंने उनसे बात की थी, एक मुलाकात में मैंने उनसे पूछा था, नसीर भाई आप तो इंग्लिश थिएटर करते थे एक जमाने तक, आपने बर्नार्ड शॉ वगैरह के ड्रामे किए हैं और वेटिंग फॉर गोडो जैसा ड्रामा आपने किया था इतना मशहूर, और आप इंग्लिश थिएटर से ज्यादा करीब रहे हैं, आपने इंग्लिश में ही ड्रामे किए थे, फिर ये अचानक उर्दू में उर्दू की कहानियों को लेके मंटो और इस्मत की आपने कैसे ये सिलसिला शुरू किया? तो उन्होंने जवाब दिया था कि मुझे बहुत देर से, बहुत बाद में मंटो और इस्मत की कहानियां मिली हैं, और यकीन मानिए बोले मुझे जिंदगी भर स्टेज करने का एक मौका हाथ आ गया है मंटो और इस्मत की कहानियों के की सूरत में, मैं भी जिंदगी भर चाहूं तो मंटो और इस्मत की कहानियों को स्टेज पर पेश कर सकता हूं, मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं। अब साहब नसीरुद्दीन शाह अगर ये बात कह रहे हैं तो सोचिए कितनी बड़ी बात है, क्यों कह रहे हैं कि दूसरे लफ्जों में ये कह रहे हैं कि मुझे इंग्लिश ड्रामा करने की अब जरूरत नहीं है, मेरे पास उर्दू की इतनी कहानियां मंटो और इस्मत आपा की मिल चुकी हैं कि अब मैं उसको स्टेज कर सकता हूं जिंदगी भर, जब तक मैं चाहूं, जब तक जिंदा रहूं। तो ये बड़ा उनकी इस बात से मुझे भी बहुत हौसला मिला, मुझे लगा ये तो वही बात, हमारी बात ही कह रहे हैं, हमारी बात को ही आगे बढ़ा रहे हैं, हम जो उर्दू कहानियों को स्टेज कर रहे हैं तो ये भी
नसीर साहब भी जो है उसी बात को, उस सिलसिले को आगे बढ़ाने की बात कह रहे हैं, तो बड़ी हिम्मत मिली। तो यही बात मैं नौजवानों से भी कहना चाहूंगा, आपने जो सवाल पूछा कि आप ड्रामा लिखिए, कोशिश करिए कि आप तबाजार ड्रामे लिखें। अगर आप ड्रामे नहीं लिख सकते, आपको ड्रामा करने का शौक है, डायरेक्ट करने का शौक है, तो उर्दू की कहानियां उठाइए। उर्दू में बहुत अच्छी अच्छी शाहकार कहानियां हैं, हमारे पास क्लासिक कहानियां हैं उर्दू में, तो उन क्लासिक कहानियों को ड्रामा बनाइए, उनको स्टेज कीजिए। हरचंद के इससे उर्दू स्टेज का कोई फायदा नहीं होगा, भला नहीं होगा, क्योंकि उर्दू में तबाजार ड्रामे नहीं लिखे जाएंगे, लेकिन कम से कम उर्दू थिएटर की बका का एक मसला तो हल होगा। उर्दू थिएटर बाकी तो रहेगा, जिंदा तो रहेगा, मर तो नहीं जाएगा, अगर कम से कम ये नौजवान करते रहे उर्दू की कहानियों को। हमारे पास ना मुश्ताक साहब सबसे बड़ा मसला ये है कि हम उर्दू का ड्रामा करें या उर्दू में ड्रामा करें, एक बहुत बारीक सा फर्क है। देखिए मैं जो कह रहा हूँ, उर्दू का ड्रामा करें, जी उर्दू का ड्रामा करें या उर्दू में ड्रामा करें। उर्दू का ड्रामा करें से मुराद ये है कि हम किसी कहानी को लेकर उर्दू की एक ड्रामा तैयार करते हैं, वो उर्दू का ड्रामा हुआ, उर्दू स्टेज का ड्रामा। लेकिन उर्दू में ड्रामे का मतलब यह हुआ कि हम उर्दू के ओरिजिनल ड्रामे लिखें, तबाजार ड्रामे लिखें और उर्दू में ड्रामा करें। अब अगर हम किसी और जबान का ड्रामा अडेप्ट करते हैं, अंग्रेजी का तर्जुमा कर लेते हैं, तो वो ठीक है, उसको हमने तर्जुमा करके अपने स्टेज पर पेश किया, लेकिन हमने उसको उर्दू स्टेज पर पेश किया, हमने उसका तर्जुमा किया। और जब उर्दू के कई ऐसे नायाब ड्रामे हैं साहब जो उर्दू में अडेप्ट किए गए हैं, लेकिन वो हैं अंग्रेजी के ड्रामे, जैसे बिल्किस बेगम का बाड़ा, इप्टा वाले एक उर्दू का ड्रामा करते हैं, बहुत मशहूर ड्रामा है, वो अंग्रेजी का ड्रामा है, उसको इस खूबसूरती से उर्दू में ढाला गया है कि देखने वालों को लगता ही नहीं कि ये किसी अंग्रेजी का ड्रामा है, उर्दू का ही ड्रामा। खालिद की खाला एक बहुत मजाहिया ड्रामा है, वो भी एक उर्दू इंग्लिश का ड्रामा है, चार्लीज आंट नाम से, उसका उर्दू एडाप्टेशन बेगम कुदसिया जैदी ने किया था, तो बहुत ही खूबसूरती से वो भी किया गया है, इतना कि उर्दू का ही ड्रामा लगता है। तो हमको उर्दू, इस तरह के ड्रामों को हमको उर्दू में करना है, चाहे वो किसी भी जबान के हो। गुजराती के हमारे एक ड्रामा बहुत सीनियर हिदायतकार हैं, जिन जो अब हयात नहीं है, उनका देहांत हो चुका है, गिरीश देसाई साहब, हम उनको भाऊ साहब कहते थे सब लोग, उर्दू वाले थिएटर वाले पूरे ड्रामे वाले, उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही थी कि गुजराती की ऑडियंस को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वो जो ड्रामा देखने के लिए आए हैं वो ओरिजिनल गुजराती का ड्रामा है, इंग्लिश का ड्रामा है या मराठी का ड्रामा है, उनको इससे कोई मतलब नहीं है, उनको बस इससे मतलब है कि जो ड्रामा हम देख रहे हैं वो हमारे दिल के पास धड़कता है कि नहीं, क्या बात, वो ड्रामा हमें अपने दिल के पास धड़कता हुआ महसूस होना चाहिए, तो वो ड्रामा कामयाब समझा जाता है। जबा किस जमाने का, वो कोई थोड़ी देखते पूछता है यार काय का कौन सा मराठी का ड्रामा है जो गुजराती में हो रहा है, या इंग्लिश का ड्रामा है जो गुजराती में ट्रांसलेट होके। तो यही सूरत हाल उर्दू की होनी चाहिए मुशाक साहब, कि आप लोग ये नहीं देखेंगे हमारे उर्दू वाले कि आप उर्दू का ओरिजिनल ड्रामा कर रहे हैं या कहीं का एडेप्टेशन है, कहीं अंग्रेजी का है, वो ड्रामा बस उनको अपने से रिलेट करना चाहिए, उनको अपने हालात से जुड़ा हुआ महसूस होना चाहिए, उनको अपने मसाइल से जुड़ा हुआ लगना चाहिए, तब तो वो ड्रामा कामयाब होगा, तब तो वो थिएटर उर्दू जबान का कामयाब होगा, वरना यही सूरत हाल रहेगी। तो ये जो नाजी साहब, जी जी जी, बहुत ही उम्दा गुफ्तगु है और बहुत मालूमाती, और हमारे नाजरीन आपको बहुत ज्यादा सराहते हैं, आपको खुशामदीद कह रहे हैं, आपको दुआएं दे रहे हैं, और आपसे काफी कुछ उनको मालूमात हासिल हो रही है। शुक्रिया। आगा हशर कश्मीरी से मुझे लगता है आप बहुत ज्यादा मुतासर हैं, आगा हशर कश्मीरी के ड्रामे या उनका जो ड्रामाई आर्ट है बड़ा पावरफुल माना जाता है और हर दौर में माना जाएगा। बिल्कुल। उनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ड्रामा नवीस हमारे यहाँ रहे हैं, मुझे कुछ नाम याद आ रहे हैं, जैसे हबीब तनवीर हैं या अहमद शुजा हैं, है ना, तो इस तरह के बहुत सारे लोग अमानत हैं, अमानत लखनवी थे, अमानत, हाँ अमानत लखनवी थे, एक बहुत बड़ी तादाद, बेताब, बहुत काफी लोग, बहुत लंबी, जी जी जी, तो बल्कि प्रोफेसर मुजीब थे, उनका जो ड्रामा था खाना जंगी आपने पढ़ा होगा बेहतर, जी 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 जी, तो मुझे हमने किया भी, मुझे ये, हाँ, तो
मैं अपनी मालूमात के लिए और नाज़रीन की मालूमात के लिए ये पूछना आपसे चाहूंगा कि हम जब कोई कहानी लिखते हैं, हम कोई अफसाना लिखते हैं, उस अफसाने को जब हम ड्रामाटाइज करना चाहेंगे तो उसके लिए हमें किन असूलों का या किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि वो अफसाना, वो कहानी ड्रामा बन जाए। यानी अफसाने को ड्रामाई अंदाज में पेश करने का क्या ज्यादा बेहतर हो सकता है जो हम नाजरीन को बड़ा मुतासर करे, देखने वालों को बड़ा दिलचस्प लगे और उन्हें लगे कि ये हमारी जिंदगी के मसाइल पर ड्रामा। जी जी जी, अच्छा, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ये सवाल दरअसल वर्कशॉप का है, आपका ये जो सवाल है बहुत अहम सवाल है, लेकिन ये वर्कशॉप में, ड्रामे के वर्कशॉप में बताने वाली बात है। और मैंने कई वर्कशॉप किए हैं ड्रामे के, जिसमें मैंने ये इंफॉर्मेशन दी है, ये सिखाया है कि किसी कहानी को हम स्टेज के लिए ड्रामे में कैसे उसको अडेप्ट करें, किस तरह से अखस करें उसको और कैसे स्टेज पर पेश किया जाए। ये एक टेक्निकल बात है मुशाक साहब, ये बातें जो अभी यहाँ पर नहीं समझाई जा सकती है। वर्कशॉप में बाकायदा उसके सीन, कहानी का एक सीन सामने रख के उसको ड्रामा कैसे करें ये, लेकिन चंद बातें मैं जरूर अर्ज करना चाहूंगा। बहुत ज्यादा तफसील से इसलिए नहीं बता सकता ये इस सवाल पर कि ये वर्कशॉप वाला सवाल है, ये प्रैक्टिकल समझाने वाली बात है, जबानी बहुत कम शायद समझ में आए लोगों को। सबसे पहले लेकिन इसमें इस बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि आप जो कहानी का इंतखाब कर रहे हैं वो कहानी क्या किसी मसले को लेकर चल रही है, क्या किसी मसले की निशानदेही कर रही है, या वो कहानी हमारे किसी अहम सुलगते हुए मसले पर उंगली रख रही है, वो कहानी हमें हमारे जो कल्चर है उससे कितनी मेल खा रही है। हमने अगर मजाया, जब तक मजाया भी कहानी है कोई, वो मजाया कहानी अगर हम उठा रहे हैं तो मजाया कहानी में कोई तंज के पहलू हैं कि नहीं, या सिर्फ खाली हंसने हंसाने की ही बातें हैं। तो सबसे पहले हमको कहानी को चुनते वक्त, इंतखाब करते वक्त ये लिखना, ये सोचना बहुत जरूरी है कि इसका कंटेंट क्या है, कहानी का मकसद क्या है, कहानी में कोई पैगाम है या नहीं, कहानी में कोई मैसेज है कि नहीं। तब तो उसको ड्रामा बनाने में मजा भी आएगा और उसको स्टेज पर करने में एक एक पैगाम मिलेगा ना, एक मैसेज जाएगा स्टेज से। जब हम स्टेज करते हैं कहानी को, जी मुशाक साहब, जब हम स्टेज करते हैं कोई कहानी को या कोई ड्रामा हम स्टेज करते हैं, तो हमारे पेशे नजर ये मकसद होता है कि हम महज हंसने हंसाने की कॉमेडी वाली बातें ना करें। हम चाहते हैं कि आखिर में हम कोई पैगाम तो दें हमारे नाजरीन को, कोई बात तो समझाएं उनको, उनको कोई जाते जाते एक पैगाम तो दे जाए, हाँ, कि वो जब यहाँ से ड्रामा खत्म होने के बाद जाएं तो उनका वो अपने साथ कोई एक बात लेके जाए कि भाई एक ये इस ड्रामे में हमने ये बात हमको पता चली। जैसे मैं आपको मिसाल दूं, हमने जब एक ड्रामा किया अभी हाल में लॉकडाउन से पहले, 6 महीना पहले, तफ्तीश नाम का एक ड्रामा किया हमने, तफ्तीश। वो ड्रामा, उसके एक्टर भी यहाँ शामिल हैं, सतीश तनवानी साहब हमारे साथ हैं शायद। वो ड्रामा हमने ये बताने की कोशिश की थी कि आजकल के जो हालात हैं, आजकल जिस तरह से नौजवानों को उठाया जा रहा है घरों से, और मासूम लोग हैं लेकिन उन पे इल्ज़ाम लगाकर, उनको टॉर्चर करके ज़बरदस्ती, उनको दहशतगर्द या उनके साथ उनको गलत तरीके से जो है टॉर्चर करके, गलत सलत बातें कबूल करने पर जो मजबूर किया जा रहा है, ये ड्रामा वो बातें बयान करता है। एक नौजवान की बेबसी की कहानी बताता है कि आजकल इस तरह से हो रहा है, आजकल किसी भी नौजवान को उठा के जेल में डाल देते हैं और उससे पूछताछ शुरू कर देते हैं, और जो जुर्म उसे नहीं भी किया है वो जबरदस्ती उसके सर पे। तो ये देखिए, ये असर हाजिर का ड्रामा है, आज का है, आज से रिलेवेंट ड्रामा। तो इस तरह आज हम 1947 की तकसीम का, तकसीम हिंद पर अगर कोई कहानी नहीं कर रहे हैं, हम ना 2020 में या 2019 में या 2018 में जो वाकयात हुए हैं उस पर हम ड्रामा कर रहे हैं जो हालात हाजरा से मुताबिकत रखता है कि ऐसे ऐसे सिचुएशन, ऐसे हालात पैदा हुए हैं। हालांकि ये ड्रामा राजेश कुमार जी का लिखा हुआ है, मैंने नहीं लिखा है, लेकिन मैंने उसको डायरेक्ट किया, 1.5-2 घंटे का ड्रामा है,
लोगों ने लोग रो रहे थे जब हमने इसके दो शो किए, तो लोग हमने देखा कि ऑडियंस में रो रहे थे आंसुओं से। तो ये हमारे एक्टर खुद जब रिहर्सल कर रहे थे, ये एक्टर भी रोते थे कि सर इतना जुल्म होता है, ऐसा जुल्म हो रहा है लोगों पर। मैंने कहा यही तो एक एक हमारा बहसियत फनकार, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन चीजों को, सच्चाई को सामने लाएं ड्रामे के जरिए। हमारे पास एक मौका मिला है, हमको एक आर्ट, एक फन हमारे हाथ में अल्लाह ताला ने दिया है, तो हम उसके जरिए अपनी बात को रखें, सच्चाई को पेश करें, एक मैसेज दें, एक पैगाम दें समाज को। हमारी हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने माशरे को, हमारे समाज को कुछ दें ड्रामे के जरिए। तो हमने वो ड्रामा किया। तो कहने का मतलब मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ ये बात से, इस मिसाल से, कि हम कोई भी स्क्रिप्ट उठाएं, ये नौजवान जो आ रहे हैं, नस्ल नई नस्ल, वो अगर कोई ड्रामा करना चाहती है तो जरूर करे, बहुत अच्छी बात है, मुझसे कांटेक्ट करें, मैं जो मदद कर सकूंगा उनकी, मैं हर वक्त उर्दू का काम करने वाले तमाम हिंदुस्तान भर के ड्रामा निगारों के लिए ये मेरा पैगाम है कि मैं उनकी मदद के लिए हर वक्त तैयार हूँ। आधी रात को भी अगर उन्होंने मेरा फोन बजाया और कहा कि हमारे साथ ये मुश्किल है, हमको कोई कहानी नहीं मिल रही है, स्क्रिप्ट नहीं मिल रही है, आप फराहम कर दें, मैं कर दूंगा आपको, मैं उनके लिए बिल्कुल बैठा हूं। तो सिर्फ उनको अपने पेशे नजर ये बात रखना है कि ड्रामा करना है तो आपको किसी मकसद का तायुन करिए, कोई सब्जेक्ट ऐसा चुनिए जो लोगों को अपने दिल में महसूस हो कि यार ये तो हमारी बात है, ये तो हम नहीं। मैंने एक ड्रामा किया था मुशाक साहब, ये किसका लहू है कौन मरा, ये बॉम्बे में हमारे ट्रेन का जो ब्लास्ट हुआ था, ट्रेनों का बम ब्लास्ट हुए थे, उसमें काफी लोग मारे गए थे, जी, जी। उस पर तीन मोनोलॉग है, तीन अलग अलग कहानियां हैं जो तीन एक्टर्स पेश करते हैं स्टेज पे। आप यकीन मानिए उसके 54 शो हमने किए हैं, हमने जगह जगह जब ये शो पूरे महाराष्ट्र भर में किए जाके, हर जगह पे हमारे पास लोग आके रोते थे, कई बूढ़ी औरतों ने तो आके हमारे एक्टर्स के पैर छुए, नौजवान एक्टर थे हालांकि, लेकिन बूढ़ी उम्र रसीदा औरतें आके हमारे एक्टर्स के पैर छूती थी कि ये मेरे बेटे के साथ, मेरा बेटा उसमें मारा गया है उस बम ब्लास्ट में, मेरे साथ भी यही हुआ है, यही कहानी। तो हर कोई रिलेट करता था हमको इतना, एक एक जगह तो हमारी एक एक्ट्रेस को, उसी ड्रामे के एक एक्ट्रेस को, एक ने, एक खालामा थी स्कूल की, स्कूल में जो प्यून होती है ना चपरासी, उन्होंने किसी के हाथों, किसी के हाथों 100 रुपए इनाम वो लड़की को भिजवाया, जो लड़की एक्ट्रेस थी, तो उन्होंने पूछा किसने भिजवाया ये, तो वो उन्होंने बोला ये स्कूल की खालामा है, उन्होंने, वो बहुत बड़ी मुतासिर हुई, गैर मुस्लिम लड़की थी, शीतल नाम था, तो वो जाके खुद उनसे ढूंढ के उनको मिली। तो जब मिली और उनसे जाके कहा कि माँ जी आपने ये पैसे मुझे दिए, ये मैं इसको हमेशा अपने पास रखूंगी, खर्च नहीं करूंगी, ये मेरे लिए बहुत बड़ा इनाम है आपका, तो वो रोने लग गई खालामा, वो रोने लग गई, उसको गले लगा लिया शीतल लड़की को, और उन्होंने कहा बेटा ऐसा नहीं है, ये मैंने पैसे तुमको इसलिए दिए कि मेरे बेटे के साथ यही कुछ हुआ है जो तुमने बताया है ड्रामे में। फिर उन्होंने, उस लड़की ने, एक्ट्रेस ने मुझे बुलाया, फिर मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने अपने बेटे की किस्सा सुनाया कि आपने जो ड्रामे में बताया है वो बिल्कुल मेरे बेटे के साथ भी ऐसा ही हुआ है। तो ऐसा रिलेट करना चाहिए, तब आपका ड्रामा कामयाब है, तब आप अपने मकसद में कामयाब है। वरना तो ड्रामा करके लोग भूल जाएं आपको, यहाँ हंस के कॉमेडी ड्रामा आपने स्टेज पे कर दिया, हंसा दिया लोगों को और आप चले गए, तो मकसद हल नहीं हुआ ड्रामा करने का। आपने किस मकसद से ड्रामा किया? नाजी साहब असल यही है कि फन, जितने भी फनून हैं, जितने भी, जितना भी आर्ट है, मेरे ख्याल में ये आदमी की शख्सियत को निखारने, बनाने, संवारने और उसको उसको जिंदगी के चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए तैयार करते हैं, तैयार सारे फनून जितने भी है एक चीज, और उसको बसीरत भी अता करते हैं जितना भी है। मिर्जा असदुल्ला खान गालिब ने बहुत पहले ये बात बताई थी शायराना अंदाज में, और मैं समझता हूं कि आजकल के सोशल मीडिया के इस दौर के अंदर ड्रामे के इम्कान न्याजी साहब बहुत बढ़ गए हैं, जहां तक मेरा जा रहा है, बड़े यानी खुशाइन इम्कान हैं, रोशन इम्कान हैं उर्दू ड्रामे को आलमी सतह तक पहुंचाने के लिए, अफसानों को या कहानियों को या बजाती को, तबाजात ड्रामा उर्दू का हो, तो उसको देखने और उससे मुतासर होने वाले लोग यकीनन दुनिया के हर कोने में मौजूद है, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि आजकल का जो दौर है ये अफरा तफरी का दौर है और कदरों की शिकस्त और रेख का दौर है।
आज हंगामा आ रही है और आज आका आदमी जो है सुकूने कल्ब के लिए तड़प रहा है, तरस रहा है, बेशक उससे बहुत सारी चीजें गुम हो गई हैं, उससे बहुत कुछ खो गया है, उसका असासा खो गया है, उससे इंसानियत की वो समझ लीजिए शम्मा जैसे उसके सामने बुझ गई है। तो मिर्जा असदुल्लाह खान गालिब ने बहुत पहले ये बात बताई थी और आपको भी बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा था कि बाजीचा या अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है बाजीचा या अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। जी जी, तो इस हवाले से मैं बात आपको कह रहा हूँ कि आजकल ड्रामा जो है कभी मैं नहीं समझता हूँ ये जवाल पजीर इतना ज्यादा हो जाएगा कि जितना हमें इसके इम्कान नजर आ रहे हैं। लेकिन ये भी एक बात सही आपने फरमाई कि ड्रामे को वाकई इसके साथ सौतीला सलूक किया गया है, थिएटर के साथ, ड्रामे के साथ, और हमें उस तरह के ड्रामे नहीं मिलते जिस तरह के ड्रामे आगा हशर कश्मीरी और उनके कबील के या उनके हम असरों ने लिखे हैं। तो न्याजी साहब बहुत अच्छी रही आज आपके साथ ये गुफ्तगू ड्रामा निगारी के हवाले से, आर्ट के हवाले से। अब ये आज हमारा प्रोग्राम जो है अपने इख्तिताम को पहुंचने जा रहा है, लेकिन जाते जाते मैं आपसे ये चाहूंगा कि नई नस्ल के लिए, उर्दू की नई नस्ल के कोई पैगाम छोड़ जाइएगा, जो नई नस्ल याद रखे वो हम उर्दू वाले याद रखें आपकी उन जर्री पहले बातों को, जी मुशाक साहब मैं उससे पहले एक बात अर्ज करना चाहता हूँ अगर आप इजाजत दें मुझे। जी जी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं ये बताना चाह रहा था कि हम अभी गुज़िश्ता दिनों हमने चूंकि लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, सारे लोग घर में मैसूर हैं, कैद हैं 6 महीने से, तो हमने हमारा ड्रामे का भी काम सारा सर्द पड़ा है, ना रिहर्सल हो पा रही है ना ड्रामे के शो हो पा रहे हैं। तो हमने थोड़ा सा एक अपने आप को मसरूफ रखने के लिए हमने एक काम ये किया कि हमने मंटो की, सादत हसन मंटो की 8 कहानियों को मुंतखब किया, हमने कहानियां चुनी और हमने OTT प्लेटफॉर्म जो वेब सीरीज चल रही है आजकल ना टीवी पर, मुख्तलिफ चैनलों पर जो वेब सीरीज बनाई जा रही है, तो हमने मंटो को इंतखाब करके वेब सीरीज के लिए हमने कुछ कहानियां उनकी मुंतखब की और हम वेब सीरीज बनाने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ ये उर्दू में पहला काम है कि मंटो की उर्दू कहानियों को लेकर वेब सीरीज बनने जा रही है और बड़े चैनल पे, एक बड़ा एक नामचीन चैनल है उसके ऊपर ये कहानियां उर्दू की आने वाली हैं। ये पहला काम है जो इस बड़े लेवल पर मंटो को पेश करने हम जा रहे हैं। जैसे मंटो पर हाल में नंदिता दास ने फिल्म भी बनाई है मंटो नाम से, एक फुल लेंथ फिल्म है, लेकिन ये हमारी सीरीज है जो हर एपिसोड में एक एक कहानी मंटो की रहेगी। तो ये एक थोड़ा सा ड्रामे से, स्टेज से आगे का काम है ये थोड़ा सा। हमने हालांकि वो कहानियां चुनी थी ड्रामे करने के लिए, स्टेज करने के लिए, लेकिन जब हमने देखा कि अभी जनवरी और दिसंबर बल्कि आगे तक 2021 तक कोई आसार नहीं है स्टेज खुलने का, ड्रामा ऑडिटोरियम खुलने के, तो हमने सोचा हम इसको वेब सीरीज में मुंतकिल करते हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि हमारे जो टैलेंटेड नौजवान है, आपने जो सवाल पूछा है, कि मैं चाहूंगा कि हमारे जो बासलाहियत नौजवान है वो आगे आए और ड्रामे के साथ साथ उर्दू के अदब को, आज देखिए सोशल मीडिया का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, किताबों से लोगों का रिश्ता थोड़ा सा टूटता जा रहा है, कम होता जा रहा है, मैं ये नहीं कहूँगा कि ख़त्म हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा किताबों से रिश्ता कम होने लगा है। आजकल लोग मोबाइल पर सारी चीज़ें देख रहे हैं, तो क्यों ना हमारे ये नौजवान उर्दू की चीज़ों को, उर्दू की शाहकार कहानियों को लेकर ड्रामे तो करें ज़रूर, जब भी स्टेज शुरू होगा तो ड्रामे तो करें, लेकिन उसके साथ साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आएं, हमारे से मदद लें जो चाहें, हम मदद करने तैयार हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उर्दू की कहानियां, अच्छी अच्छी कहानियां पेश करें, बड़े राइटर्स की कहानियां, क्लासिक कहानियां उर्दू की वो पेश की जाए, ताकि हमारा हलका जो है देखने वालों का वो बढ़े, और जब बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है उर्दू लिटरेचर से, जिस तरह शायरी, आज उर्दू शायरी क्यों मकबूल है सारी दुनिया में, न सिर्फ हिंदुस्तान में, इसलिए कि उर्दू शायरी हर खासो आम तक पहुंच रही है, चाहे वो हिंदी वाला हो, मराठी वाला हो, बंगला हो, किसी भी जबान का हो,
वो उर्दू शायरी को ट्रांसलेट करके पढ़ रहा है, तो इसी तरह उर्दू अफसाने के साथ होना चाहिए जी। इसी तरह उर्दू अफसाने को हम मकबूलियत तक पहुंचा सकते हैं, इसके हम उर्दू अफसानों को डिजिटलाइज करके उन पर फिल्में बना के, शॉर्ट फिल्में बना के, वेब सीरीज बनाकर हम उनको, ये नौजवान हमारे कर सकते हैं जो आ रहे हैं, कि हम उनको डिजिटलाइज करें, पेश करें टीवी के पर्दे पर उन कहानियों को, ताकि लोगों की दिलचस्पी पैदा हो और लोग बाद में कहें कि अच्छा ये उर्दू की कहानी थी, ये मंटो की कहानी थी, ओह हमने मंटो का इतना नाम सुना था, ये मंटो की कहानी हम देख रहे थे, ये कृष्णचंद्र की हम कहानी देख रहे थे, ये राजेंद्र सिंह बेदी की कहानी थी। इस तरह से मकबूलियत मिलेगी हमारे अदब को भी, और स्टेज को भी नज़रअंदाज नहीं करना है, स्टेज पर भी काम करते रहना है ताकि स्टेज को मुसलसल फरोग मिले, क्योंकि स्टेज ही वो मीडियम है साहब। मुश्ताक साहब, मैं फिर बार बार ये बात दोहराना चाहूँगा, मैं रिपीट करना चाहूँगा कि स्टेज वो मौसर मीडियम है, वो मौसर जरिया है, जो हुकूमतें तो नहीं पलट सकता, हुकूमत का तख्ता नहीं पलट सकता ड्रामा या स्टेज, लेकिन लेकिन लोगों के जहनों को बदल सकता है, लोगों के जहन की, उनकी सोच का तख्ता पलट सकता है, उनकी सोच में एक इनकलाबी तब्दीली ला सकता है थिएटर या ड्रामा। तो इतना बड़ा मीडियम है, इतना मौसर मीडियम है, इतना स्ट्रांग हथियार है हमारे पास, हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हम बिला वजह सड़कों पर जुलूस निकाल रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, अपनी बात के लिए एजिटेशन कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, लेकिन जो बड़ा हथियार हमारे हाथ में है हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो हमको, हमारे नौजवानों को इस हथियार का इस्तेमाल करना चाहिए अपनी बात कहने के लिए, अपना एहतजाज दर्ज कराने के लिए, अपने बात को सरकार से मनवाने के लिए, और अपना हक लेने के लिए, अपना इंसाफ लेने के लिए हमको अपने ड्रामे का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ड्रामा बहुत बड़ा मीडियम है, बहुत मौसर मीडियम है। इसका अंदाजा सिर्फ वही लोग लगा सकते हैं जो इसके अंदर गहराई तक उतरे हैं। अंदर उतरने के बाद पता चलता है कि यार हम इसके साथ बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड हम ले रहे थे इसको, हम बहुत इसको हल्के में ले रहे थे, ये तो बहुत मजबूत और बड़ी अहम सिंफ है, बड़ा मीडियम है। तो साहब मैं आज आपके प्रोग्राम के जरिए, तहरीक बकाए उर्दू के जरिए, मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, और मैं तमाम मेरे नौजवान साथियों से, दोस्तों से दस्तबस्ता ये अर्ज करना चाहूंगा कि प्लीज प्लीज आप इस मीडियम की अहमियत को समझें। आप अफसाने भी लिखे हैं, आप शायरी करें, मैं ये नहीं कहता, मैं भी करता हूँ, मैंने अफसाने भी लिखे, मैंने अभी लॉकडाउन में 6 महीने में पिछले 50 से 60 मिनी अफसाने, मिनी कहानियां और तवील कहानियां लिखी है, तकरीबन 50-60। वाह 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 वाह, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात बताई आपने। तो नाज़रीन, ये थे आज हमारे मेहमान मोहतरम लेकिन इकबाल न्याजी साहब। मैं न्याजी साहब आपका बज़ाते खुद बड़ा मशकूर और ममनून हूँ, और तहरीक बकाए उर्दू के तमाम अराकीन की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, नाज़रीन का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने बड़ा अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे इस पेज पर आज आप आए, मुलाकात हुई, और बड़ी मुफीद बातें, मालूमाती बातें हमारे नाजरीन तक आपने पहुंचाई। अब जो है ये प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंच ही गया है। नाजरीन, आज के इस अदबी प्रोग्राम के इख्तिताम पर मैं डॉक्टर बशीर बदर के का ये शेर आपको, आपकी और आज के हमारे मेहमान मोहतरम इकबाल नियाजी साहब की समातों की नजर करता हूं कि तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा है, तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा है, तुम्हारे बाद ये मौसम बहुत सताएगा। तो इकबाल नियाजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत सलामत रखिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपके खूबसूरत सवालात थे और आपने मुझे बोलने का मौका दिया, सबसे बड़ी बात, मैं उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने खुद बहुत कम बोला और मुझे बोलने का मौका ज्यादा दिया। ये एक इंटरव्यू लेने वाले की कामयाबी होती है इस तरह, बहुत अच्छे, बहुत 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 शुक्रिया। मैं तहरीक बकाए उर्दू का भी शुक्रगुजार हूँ तमाम अराकीन का, तहरीक बकाए उर्दू के जिम्मेदारान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इस तरह का इंटरव्यू का सिलसिला जो होना चाहिए, और आप लोग, खास बात यह है कि हर फील्ड से लोग अब लोगों को मुंतखब कर रहे हैं, शायरी से, अफसाने से, ड्रामे से, तनकीद से, हर शोबे से आप लोगों को तारीफ करा रहे हैं, ये बड़ा काम है। मैं समझता हूँ जम्मू कश्मीर में रहते हुए, मेरा गालिबन जम्मू ना, जम्मू से है ना आप लोग,
तो जम्मू में जम्मू में रहते हुए आप लोग ये बड़ा काम कर रहे हैं उर्दू जबान और अदब के फरोग का, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत दुआएं मेरी, और हर मुमकिन ताउन के लिए मैं ये नाचीज हर वक्त हाजिर है। आप जो लोग मुझे देख रहे हैं वो भी जब याद करना चाहें मुझसे जब चाहें कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे राब्ता कायम करें, मैं हर मुमकिन मदद के लिए उनकी तैयार हूँ। जिस तरह की अदब को लेकर, स्टेज को लेकर, फिल्म को लेकर, टेलीविजन को लेकर, हर तरह की मदद के लिए मैं आपके साथ हूँ और हमेशा रहूंगा इंशाल्लाह। अल्लाह सलामत रखे आपको भी हमें भी, बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह। आमीन, बहुत 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 शुक्रिया। Thank you.